अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब का? ठीक ठाक है। ये आज हमारे पास बाजारों आई है डीजल 2700 इंजन है इसका, मित्सुबिशी इंटरकूलर। इसकी स्टार्टिंग का मसला है, स्टार्टिंग ट्रबल है, तो बैटरी जो है ना चार्ज नहीं सही तरीके से हो रही। अभी इसकी चार्जिंग आ रही है 13.32 वोल्ट, तो इसको जो है ना रेस देते हुए तेज होना चाहिए। ये तेज़ होने की बजाय कम हो रही है। हाइड्रोमीटर लेके आओ, इसी की ग्रेविटी चेक करो। ये जी हम इसकी जो है ना ग्रेविटी चेक करने लगे हैं। इसकी ग्रेविटी आ रही है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं ये भी आपको बताता हूँ, 1100 ग्रेविटी आ रही है, 1100। ये देखें रेड निशान के ऊपर है। जब ये ओके होती है, ग्रीन और येलो निशान के जो है ना शुरू में होती है, ग्रीन के एंड में और येलो के जो है ना शुरू में, तब ये ग्रेविटी ओके होती है। अभी ये चार्जिंग सही नहीं हो रही, इसलिए ग्रेविटी इसकी कम है। ये सब सेल की जो है ना चेक करते हैं, जो सेल ख़राब हो ना उसकी जीरो ग्रेविटी होती है, उसके ऊपर ग्रेविटी मीटर बिल्कुल उठता ही नहीं है। ये दूसरा सेल भी ओके है, तीसरा सेल भी ओके है, चौथा भी ओके है, पांचवा भी ओके है, छठा भी ओके है। बस डाउन है बैटरी, बैटरी ओके है बिल्कुल, तो ग्रेविटी जो है ना इसकी डाउन है। ग्रेविटी डाउन तब होती है जब चार्जिंग ना हो। यूपीएस की भी बैटरी हो उसकी भी ग्रेविटी लो होती है चार्जिंग ना होने की वजह से, गाड़ी की भी। अभी इसको चेक करते हैं कि ये चार्जिंग करने स्लो में चार्जिंग कर रहा है और जब रेस देते हैं चार्जिंग छोड़ जाता है, बिल्कुल कम हो जाती है। ये देखें अब इसका मसला ट्रेसते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। इसका जो हमारे सामने मसला आया है ट्रेसने के बाद, हमारे सामने मसला आया जी इसका, देखिए जरा आप पहल क्या कर रहे हैं, ट्रेस देना इसकी थोड़ी सी। इसका बेल्ट का मसला है, इसके बेल्ट जो है ना चेंज होने वाले हैं, बेल्ट तब्दील हो जाएंगे तो चार्जिंग ओके हो जाएगी, ये जो कंप्लेन है दूर हो जाएगी, बिल्कुल ओके हो जाएगी। ऐसे जो है ना इसका चार्जिंग का मसला आ रहा है। अब जनरेटर की लाइट भी शो हो रही है इसमें, जनरेटर की लाइट भी शो हो रही है, उसकी वजह यही है तो इसके बेल्ट लूज आ रहे हैं। चल ये देखें जी इसके बेल्ट बिल्कुल ही लूज आ रहे हैं, छोटी गोटी प्ले बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हीट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्लिप कर रहे हैं इसलिए। अब इसको हम टाइट करके फिर दोबारा इसकी चार्जिंग चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह जो भी फॉल्ट नज़र आता है सामने आता है वो आपको बताते हैं। फिलहाल तो इसके बेल्ट लूज आए हैं। जी अभी इसकी मीटर की लाइटें भी क्लियर हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सेट हो गई है। आप देख रहे हैं अमजद ऑटोस और मेरा नाम है शराज। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा।
अच्छा इस गाड़ी में एक और मसला आ रहा है, ये गाड़ी जब स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो ये जो लाइट ऑन ऑफ हो रही है ना, ये वाली हैं, ये दो ये जनरेटर की हैं, तो ये स्टार्ट हो के भी जो है ना जनरेटर चार्जिंग कर भी रहा है, तो ये लाइटें दोनों ऑफ नहीं हो रही, तो हम इसको चेक करेंगे अब तो क्या मसला आ रहा है, तो इसके जनरेटर के कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे। ये हमने नेगेटिव पे लगा लिया टेस्टर अपना, और इसके करंट चेक करेंगे सारे। एक बैटरी की जो है ना डायरेक्ट पॉजिटिव है, और ये जो ग्रिप लगी हुई है ना इसमें 24 स्विच ऑन कर, इसमें एक जो है ना पॉजिटिव आनी चाहिए 24 स्विच के साथ, और एक जो ना अंदर लाइटें जल रही हैं उसकी, ये जो लाइटें ऑन ऑफ होती हैं ना अंदर वाली जनरेटर की, ये वो वाली वायर है अंदर, ज़रा देखो मीटर में लाइटें आ रही है, ये हम इसको डायरेक्ट चेक करने लगे हैं अंदर वाली लाइटें अभी ऑफ है, ऑन हो गई हैं, ये लाइट की तार है, और ये जो है ना दूसरी इधर पॉजिटिव करंट मिलेगा तो लाइट ऑफ होगी, पॉजिटिव करंट नहीं मिलेगा तो लाइट ऑफ नहीं होगी। अब हम इसको पॉजिटिव करंट देंगे तो इंशाल्लाह लाइट का मसला भी हल हो जाएगा इसका। ये जी इसके करंट क्लियर कर दिए हैं हमने, अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर चेक करते हैं ऑफ होती हैं लाइटें कि नहीं। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लाइटें ऑफ हो गई हैं, और इसका जो है ना करंट का ही मसला निकला है, एक तो बेल्टों का लैदा मसला था और लाइट ऑफ करने वाला लैदा मसला था, इसका करंट का मसला था, वो हमने ओके कर दिया। अब इसकी चार्जिंग दोबारा चेक कर लेते हैं, बैटरी चार्ज हो गई इसलिए इतने वोल्ट आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे हैं, इसको ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए रेस देते वक्त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अमजद आटो, ज़फ़र वाल।